अच्छा, ये मोहम्मद अली साहब, कोई दूसरे मोहम्मद अली साहब आए हैं मार्केट में? मोहम्मद अली साहब आपका इस्तकबाल है? जी आवाज आ रही है मेरे? जी, आ रही है वो वाले मोहम्मद अली साहब तो नहीं है ना जो दो थम्स अप को ढूंढ रहे हैं? ये नहीं, ये मुझे वो कुछ मोहम्मद, पता नहीं। ये मोहम्मद अली भाई के इस पे लिखा है डीपी पे, काफिर काफिर शिया काफिर। अच्छा जी, बड़ी लंबे टाइम से ना जनाब जो है मैसेज कर रहे थे प्राइवेट चैट में, मैं तुमको सीधा कर दूंगा, देख लूंगा, एक्सपोज कर दूंगा। जनाब वेलकम है आपका स्ट्रीम पर, सर स्टार्ट हो जाइए। जी अभी मेरे बैटरी थोड़ी खत्म है मोबाइल की, तो पहले मुझे बोलने दीजिए थोड़ा। ठीक तो है, बात ऐसी है कि मैं सिर्फ लॉजिक पे बोलूँगा, पांच बातें बोलूँगा और आप सबको एक्सपोज कर दूँगा। डन हो गया, एक एक करके बोलिएगा ताकि हम उसका रिस्पॉन्स कर सकें। सबसे पहले बात, मुझे एक सवाल पूछना था साहिल से। तुम मतलब अपने माँ बाप की कसम खा के बोलो कि तुम नितिन गुप्ता नहीं हो। अब ये लिटिल लो गुप्ता जी फिर एक से आ और गया है। नया। हमारे मैंने इसको निकाल यार, लिटिल गुप्ता आ गया यार। नहीं, भाई मजा मजा आ रहा है सर, कंटिन्यू। एक मिनट भाई, एक मिनट है, एकदम अभी म्यूट और कर एक दिया। एक लिटिल गुप्ता भी गया भाई अभी। नितिन गुप्ता तो बहुत बुरा जाएगा भाई। बस कर दो, ना लेते जाओ उसका नाम, चुप करो, जो भी मैं है नाम चुप नहीं कर बोलूंगा, गया। अगर सच है अरे तो नाम बोलने तो में क्यों डर सुन रहे लो हो? सर, सर इनके 5 पॉइंट सुन लो ना। हाँ, एक हो गया हाँ सबका, ठीक है, नेक्स्ट सेकंड दूसरा पॉइंट, पॉइंट, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट। सबका साथ में पहले तो जवाब देंगे, सबका क्लियर कर दो ना, सबका सबका साथ में जवाब देंगे भाई, सबका साथ में एक साथ जवाब ले देंगे। लेना चलो सबका पांचों जवाब जवाब प्लीज। एक साथ, नहीं, पहले पहले क्लियर करो। फिर सातों को सात, वो डायलॉग है ना कुछ, तो पांचों को पांच मारूंगा एक साथ मारूंगा कुछ, तो आप ऐसा है लोग ना? म्यूट कर देते हो? अच्छा ठीक है, नहीं मैं नहीं बता नहीं देता हूँ, करेंगे, अल्लाह की कसम साहिल भाई नितिन गुप्ता नहीं। आगे बढ़ो। नहीं, माँ बाप की कसम, आप अल्लाह को नहीं मानते ना। अबे याद दे तो किसको, मतलब चलो मैं मानता हूँ अल्लाह को, मैं खा मोहम्मद लेता की हूँ कसम, उसको, मोहम्मद की कसम, नहीं माँ बाप की कसम, मोहम्मद की वालदा की कसम। माँ बाप की कसम खाना, फिर तो वो सच है। तुम लोग डर रहे हो, डरपोक हो, तुम यार लोग मोहम्मद की झूठ कसम बोल रहे हो वालदा, क्या? एडम भाई अम्मी की कसम खा लेता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, अम्मी आयशा की कसम ये नितिन गुप्ता नहीं है। आगे बढ़ो। नहीं, खुद की माँ बाप की कसम खाओ, ऐसे मजाक अबे वो मजाक उम्मुल मत उड़ाओ। मोमिनीन है मेरे भाई, तुझे यकीन नहीं है क्या मोहम्मद की बात पे? उम्मुल मोमिनीन है यार, तमाम तमाम आलम की माँ है वो। हद है यार अब वो तुम तो पे। हद है हमारे लिए है ना, मोमिन तुम्हारे लिए नहीं है ना। क्यों, हमारे लिए क्यों नहीं है भाई, हम भी तो वहीं से निकले हैं। मेरे में तो खून है अम्मा को यार, आज भी मानता हूँ, अम्मी आयशा को आज भी मानता हूँ मैं। मैं खुद उनको अम्मी आयशा कहता। लास्ट टाइम मैंने वीडियो स्ट्रीम बनाई थी, मैंने कहा था अम्मी आयशा के सीने में कसुन मारा, उसके पेट में कसुन मारा अबू बकर ने, तो मुझे बहुत गुस्सा है कि अम्मी आयशा के पेट में कसुन क्यों मारा गया। मैंने कहीं पे पढ़ा था, कहीं पर मतलब कि आप लोग मतलब मजाक नहीं उड़ाते, ठीक से डिबेट करते, इसलिए मैंने ज्वाइन किया हूँ। लेकिन अच्छा आप ठीक तो, है, मैं 2 घंटे से देख रहा हूँ, आप सिर्फ लेकिन सर मजाक रेटिंग उड़ाते हो, सिर्फ मजाक नहीं हो उड़ाते रही हो। ना। अब वो इस्माइल और भाई जो बातें कर भाई रहे थे, वो सॉरी नहीं, इस्माइल भाई, वो मैंने कौन से मैंने थे? पूरा पूरा सुना है, मैंने सिर्फ बदतमीजी यानी करते हो, दादा आप भाई लोग गाली गलौज करते हो लाहौल वाला और वाला दूसरे को बोल बोलने देते, म्यूट कर देते हो। यार, ऐसे किस पे इल्जाम तो गाली ना गलौज लगाओ की है? यार दोगे। अच्छा मुझे एक बंदा उनका नाम खरगोश नहीं पता। बताल की धमकी दे रहा है और नितिन वो गालियां गुप्ता, निकाल रहा है। नितिन गुप्ता, आज तेरा चेहरा दुनिया के सामने आ गया। यार कौन है, मैं गूगल करूं? नहीं मत करो नितिन गुप्ता यार, खाली उगड़ आपको असली असली आदमी मालूम पड़ जाएगा, मत करो यार। जी तो आपके ठीक है, पास नहीं आ रही है, मेरे आपके पास नहीं मेरे आ रही को है, मोबाइल बैटरी खत्म हो रही है, पहले आप ये बोलो, आप अपने पॉइंट रख दो भाई पहला फटाफट। पॉइंट ठीक क्लियर है, करो। बाद में इकट्ठा ही जवाब दे देंगे। ठीक है हाँ दोस्त, फटाफट रख दो, ठीक, हमारे पास भी टाइम कम है, स्ट्रीम बंद करनी है। चलो रख दो। सबको पता चलना चाहिए ना। हेलो, हाँ ठीक है, मोहम्मद अली भाई बहुत अच्छे इंसान है आप, आगे दूसरा सवाल तो रखो। लेकिन आप क्लियर नहीं कर रहे ना पहला पॉइंट। यार ये अच्छा लिटिल गुप्ता, ठीक, ये लड़की है, नितिन नितिन, ये लड़की है। साहिल ललिता साहिल गुप्ता कह रहे हो के, मैडम, ललिता डाल दिए नितिन। तुम्हारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है नितिन गुप्ता को पैसे दो पेपल पे। तो नितिन गुप्ता का फायदा हो जाएगा ना उसमें, मेरा थोड़ी ना कुछ फायदा है। ये बाबा जी वो तुम ही हो एडम, अगर मेरे जी। चैनल पे लिखा है नितिन गुप्ता को पैसे दो,
तो नितिन गुप्ता का फायदा हो रहा है ना, उसमें मेरा क्या फायदा है? हाँ ये भी है, लेकिन ये कौन से गुप्ता जी हैं? ये तो कोई हिंदू हैं? तुम झूठ मत बोलो, नितिन गुप्ता तुम ही हो। ये मेरा पहला पॉइंट है। अगर तुम अच्छा। अगर तुमको क्लियर करना है तो तुम पहले ये बोलो, माँ बाप की कसम का, और बोलो कि तुम नितिन गुप्ता नहीं हो। अच्छा थोड़े देर के लिए मान लो मैं नितिन गुप्ता ही हूँ, मैंने असल ठीक है नाम बदल दिया है और अब नितिन गुप्ता रख दिया है आप लोगों से बचने के लिए। ठीक है, तो मतलब तुमने पहला पॉइंट मान लिया, पहला पॉइंट तुम हार गए। हाँ हार गए हार गए हार गया। अभी दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट ऐसा है, अभी मुझे बताओ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन है? ये कौन सवाल है, कौन फादर ऑफ द नेशन है? नहीं कौन है या फादर कौन ऑफ द थे? नेशन कौन थे? चलो नहीं मैं बता दिया ना, फादर ऑफ द नेशन थे। नहीं, उनका रिलीजन नहीं कौन सा? वो यार उससे एक्सपोज करोगे तुम हमें उनके रिलीजन से? अरे तो बताओ तो सही। वो भी भाई, वो तो मेरे को लगता है वो वैसे हिंदुस्तानी थे, वो एथलीस्ट थे, हिंदुस्तानी थे, वो हिंदुस्तानी थे और बहुत अच्छे इंसान थे। दूसरी बात मेरे को लगता है कि वो मंदिर एकदम में भी सेकुलर जाते थे, इंसान वो थे। मंदिर में भी जाते अरे थे। तुम लोगों का यही मतलब, तुम एक्सपोज हो गए, वो 5 बार की नमाज पढ़ देते, सच्चे फिर भी मुसलमान थे एक्सपोज हो वो, गए तो मंदिर भी तो जाते थे। वो रिस्पेक्ट करते थे सब रिलीजन की, अरे और तो आप भी तो वो इंडिया शिर्क की हो गया ना रिस्पेक्ट भाई, करोगे? तो हो गया ना शिर्क, हो गया भाई, छोड़ दो ना, हो गया शिर्क अभी। नहीं, रिस्पेक्ट बोलते इसको। अच्छा नहीं चल चल, आप कोई भी, कोई अच्छा आप अच्छा भी थर्ड मंदिर पॉइंट रखो। जाके कुफर। ठीक है ना, साहिल भाई रहने दो ना। अच्छा थर्ड पॉइंट रखो अपना, चलो। नहीं पहले मेरे को पूरा बोलने दो। ये जो तुम लोग बोल रहे हैं ना, इस्लाम ऐसा है, इस्लाम वैसा है, ये सब तुम्हारे मन की बातें हैं, और जो सच्चा जो इस्लाम है वो अब्दुल कलाम जैसा है, आप उसको झूठा बोल रहे हैं। सच्चा सच्चा इस्लाम मोहम्मद वाला नहीं है, अब्दुल कलाम वाला है, ये इन बाबा जी वाला। ओ भाई ऐसा मत बोलो, प्रेसिडेंट है हमारे देश के, अभी ओ सॉरी, ये प्रेसिडेंट है? सॉरी यार मुझे नहीं पता था। तो पहले पहले थे, पहले थे। हाँ थे एक्स प्रेसिडेंट, हाँ लिखा हुआ तीसरी चौथी पिक्चर में। तो सच्चा इस्लाम एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने दिया। दोनों ये बिल्कुल, किए। बल्कि मैं तो चाहता हूं कि जितने मुसलमान हैं वो सब मंदिर में जाके रिस्पेक्ट दे, वाह, मंदिर जाए, गुरुद्वारा जाए और अपना क्या कहते हैं उसको, चर्च में जाए, जाए और दे रिस्पेक्ट। क्या मसला है, हम फिर चैनल ही बंद कर देंगे यार। ये वाले डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब यार, कब प्रेसिडेंट थे? मुझे तो मोदी साहब का बताइए कब प्रेसिडेंट थे। अरे यार मोदी वो जी प्राइम प्राइम मिनिस्टर है मिनिस्टर। मोदी अच्छा प्रेसिडेंट यार मेरे को नहीं पता यार। तो ये इंडिया के है। अच्छा मोहम्मद अली भाई, आप ये कहो, हमारे जितने मोमिन भाई सुन रहे हैं ना, सबको कहो कि आप सब लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की तरह मुसलमान बने, मंदिर में भी जाएं और गुरुद्वारे में भी जाएं, चर्च में भी जाएं, सब जगह रिस्पेक्ट दें। ये आप मैसेज दे दो एक। और साइंटिस्ट बने हैं, सुनो सुनो सुनो, रुको बात खत्म नहीं हुई। साइंटिस्ट बने हैं, देश की प्रगति में हाथ बटाए, जिहाद पर नहीं जाए, और मतलब मदरसे की पढ़ाई से साइंटिस्ट बनेगा भी नहीं, इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि आप अच्छी तालीम दो लोगों को, बस अच्छा मुसलमान रहे, बात की खत्म, आपको कोई जरूरत ही नहीं बोलने की। मैसेज दे हो दो गया, मोहम्मद अली, मैसेज दे दो। हो गया हाँ क्या? हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ हो हो गया, गया। हाँ बोलो क्या? हाँ बोलो हाँ बोलो। बिल्कुल। देखो तुम लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं ना, सच्चा तो जो है तो वही है ना। तुम लोगों हाँ को चलो लगता है ये कि हो गया। मतलब तीसरा तीसरा सवाल, तीसरा नहीं, मतलब ये तो पहले क्लियर होने दो। तुम लोगों को लगता है कि ऐसे बोलो तो होगा, वैसे बोलो तो होगा, तुम जो बोल रहे हो वो झूठ है। अब मुझे अब्दुल बताओ कलाम, मोहम्मद दुनिया अली में साहब, डॉक्टर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाला इस्लाम पसंद है आपको? अरे दोनों ये किए ना, आप जो बोल रहे हो और जो बोल रहे सब ये किए। अगर अगर उनका कोई अलग इस्लाम होता तो वो अलग बोलते ना, अलग नहीं हाँ है। तो वो मंदिर वो में जो जाते फॉलो थे ना, कर आप रहे भी थे बोलो सब मुसलमान लोगों को मंदिर में जाना चाहिए। वो हर एक का पर्सनल पर्सनल है सबका। देखो आप यहाँ पे चेंज हो गए,
अब वहां पे अब्दुल कलाम को छोड़ दिया आपने। अच्छा अब्दुल कलाम जी का इस्लाम मानना भी है और जो उन्होंने किया वो करना भी नहीं है। नहीं यार ये ग्रेट है, यही मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा। हम समझ गए आपकी बात भाई कि आप सिर्फ वो जो जहाँ वो जो हिस्सा जो इस्लाम से मैच नहीं करता उनका, वो बात को आपको नहीं मानना है। आप ये बता रहे हो वो मंदिर में जाते थे, वहां रिस्पेक्ट देते थे, वो मुसलमानों को नहीं करना चाहिए क्योंकि वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का एक पर्सनल मैटर था। वो प्रेसिडेंट के हिसाब से करते थे, आप सामने लेके आते हो वो जो तो था करते उनका प्रेसिडेंट के, आप कर सकते हो। प्रेसिडेंट बना दोगे तो करूंगा। अरे वो इतने इतने बड़े मैं क्या बोल रहा हूँ, वो इतने बड़े इंसान थे, वो छुप के मंदिर भी नहीं जा सकते थे, उनको सबके सामने जाना पड़ता था। आप तो भी छुप के जाओगे तो बाजू वाले को मालूम नहीं पड़ेगा। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, वो प्रेसिडेंट थे, उनको जाना जरूरी था, वो जाते लेकिन, थे। लेकिन तुमने अभी बोला कि सब जो इनका इस्लाम है वो सबसे बेहतर है, तो फिर इनके इस्लाम के मुताबिक मंदिर जाना है तुमको। इनका उनका क्या होता है, सबका इस्लाम एक ही है, दुनिया का सवाल पूछता हूँ, दुनिया का सिर्फ एक ही रिलीजन है। सुनो ब्रदर, एपीजे अब्दुल कलाम की अब्दुल कलाम रही है, मैं पूछता हूँ सवाल। पहले सवाल ये बताओ कि तुम सुन्नी हो कि शिया? आवाज नहीं आ रही। तुम सुन्नी मुसलमान हो कि शिया मुसलमान? मुसलमान कौन से मुसलमान हो? सिर्फ मुसलमान। अरे भाई मुसलमान तो हो, सुन्नी हो, सुन्नी हो कि शिया? सर उसने लिखा था वो अपनी डीपी पे शिया काफिर, तो सर वो शिया कैसे हो सकता है? उसने लिखा, उसके डीपी पे लिखा भाई शिया काफिर। भाई इसको कोई बात, इसको कोई बात नहीं दो ना। अगर आप अगर आप सुन्नी हो कि शिया हो? आप क्या आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? मेरी आवाज नहीं आ रही नहीं साहिल भाई आपको? हाँ आप, हमारी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। और एक हो रहा है समीर साहब, एक हो रहा है आपकी आवाज। अभी आ रही है मेरी आवाज? नहीं आ रही। आप बोलने बंद करो, बैटरी सिर्फ 9% रह गई। अच्छा ठीक है चलो, तीसरा पॉइंट बोलो। सर मोहम्मद अली भाई, मैं आपको एक बात करेक्ट करना चाहता हूँ। मेरा नाम रजा है। आप जो कह रहे हैं ना एपीजे अब्दुल कलाम के, पता नहीं मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम है, आपके मोबाइल में प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे को आवाज बहुत गंदी आ रही है, आवाज ठीक नहीं आ रही। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही। डबल डबल आ रही। कोई नहीं, दो बार सुन लो ठीक है। नहीं एक मिनट भाई, एक काम करें, आप आपके सवाल रख दे और हम जवाब नहीं दे पाएंगे तो हम एक्सपोज हो ही जाएंगे लोगों के सामने। पहला पॉइंट तो साहिल हार गए ना। रजा भाई को थोड़ा अपना पॉइंट रखने दो। रजा भाई हां थैंक यू साहिल भाई। देखिए जो एपीजे अब्दुल कलाम थे उनके गुरु का नाम था प्रमुख स्वामी, तो उनको किसी ने फोर्स नहीं करा था और उन्होंने उनके ऊपर किताब भी लिखी कि ट्रांसेंडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जर्नी विद प्रमुख स्वामी जी। तो एक मुसलमान होके कैसे अपना गुरु रख सकता है और वहां पे जाके उनके पैर के नीचे बैठते थे, उनको अपना स्पिरिचुअल गुरु मानते थे। हेलो, तो यार ये क्या है? अरे मेरे बैटरी बहुत कम रह गई मोबाइल की, मेरे को बोलने दो पहले। बोलो, बोलने दो यार रजा भाई। आप भी तुम फिर रात भर गप्पे लड़ाते रहना। अरे ये भी नहीं पता नहीं कि एपीजे कलाम सलाम है ना, वो शिया मुस्लिम थे, इसलिए लोग तो हम लोग तो उनकी बात करते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति और हमारे लिए, हमारे लिए। लेकिन ये बात तुम सुनियो, सुनियो ना जाके वाला इस्लाम को लोगों को वही चित्तर मार, ठीक है? तुम्हारे कान में आके बोल के गए थे क्या? मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, कान में आके जरूरत नहीं होती, मानूंगा गुस्सा है। वो शिया मुस्लिम थे, तुमको जब यही पता है कि मैं बात में क्यों मानूंगा, मुस्लिम थे तो आगे मुंह उठा कर बहस करने, मेरी बात नहीं मानोगे? किसकी मानोगे? किसकी मानोगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मानोगे? आर्टिकल्स की मानोगे? अरे नहीं यार, वो इनके रिलीजन की रिलीजन के ओके देते थे ना। देखो समीर भाई, आपकी आवाज वेस्ट हो रहा है, मेरे को और 3 पॉइंट बोलने हैं और आपकी आवाज भी ठीक से नहीं आ रही। बेहतर होगा कि आप ना बोले। ठीक है आप 3 पॉइंट रख दो यार प्लीज। ठीक है पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि तुम नितिन गुप्ता हो। दूसरा पॉइंट अभी ये जो है वो कि आप जो बोल रहे हैं ना वो बदनामी कर रहे हैं, मतलब बिना मतलब के कहीं पे कहीं से कुछ भी बोल रहे, तो आप अच्छे लोगों के बारे में क्यों बात नहीं कर?
सिर्फ बुरे लोगों के बारे में बात क्यों करते हैं? लोग बुरे होते ठीक हैं, है इस्लाम बुरा नहीं होता। ठीक सर है, हम तो और मोहम्मद साहब के बारे में बात करते हैं, वो अच्छे हैं बुरे हैं ये आप खुद देख लें। वो आपने खुद की अलग से कुछ लिखी होगी, वो सच्ची नहीं 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 सर, हम तो सर पढ़ते हैं वो जिसने भी लिखी हुई है है। आप डायरेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं ना फिर? सर, वो पढ़ रहे हैं, हम तो लोगों से पूछ रहे हैं सर। अच्छा बाकी आप सवाल भी रख यार लो ये यार। बात आपकी सही हो गई यार, हिंदू गुरुज थे उनके यार, वाओ दैट नहीं, इज आप अमेजिंग। जी जी एडम भाई, हेलो, वो उनके मैं गुरु वही थे, पढ़ रहा उनका था। नाम प्रमुख स्वामी जी था, उन्होंने हाँ उनके ऊपर किताब भी लिखी थी कि मैं सर, कितना इंस्पायर्ड हूँ। स्वामी ना रायन संप्रद्या। छह परसेंट संप्रदाय बाकी रह गया अभी। देखो संप्रदाय, हाँ फटाफट बोलो भाई। आप सब लोग मुझे को पता है फेक कॉल करते हो, सारे आपकी जो लिखा हुआ होता है सब फेक होता है, आप आप किसी भी का फेक तो नहीं कांटेस्ट नहीं है? पढ़ते। अच्छा अगर 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 सच होगा तो क्या करोगे, छोड़ोगे इस्लाम? अभी अभी जो कोई सलीना बिलीना आई थी, वो सलीना बिलीना कोई नहीं थी, वो अपोस्टेड इमाम था, वो उसके क्या हो गया वो? यार अपोस्टेड इमाम, यार क्या कर रहे हो यार ये। अपोस्टेड इमाम क्या भाई, यार क्या कर लड़कियों दिया की आवाज में आपने? आना शुरू हो गया पॉजिटिव इमाम। तू उसने सिर्फ नाम बदला। एपी के साथ डाक करने के बाद पॉजिटिव इमाम सलीना बन गया क्या? अरे एक मिनट रुक जाओ यार। अच्छा तो वो आपका सब मतलब आपके आपका हिसाब से? अच्छा आपके ए टू जेड वीडियो सारे स्क्रिप्टेड होते हैं। हाँ यार, स्क्रिप्टेड वीडियो में कोई बंदा अच्छा आ गया हमें कत्ल करने की एक धमकी मिनट, दे रहा है, काटने की धमकी दे रहा है, स्क्रिप्टेड वीडियो है। आपको आपको व्यूज चाहिए ना, आपको हिंदू लोगों को तो मूर्ख आप, बनाना है, अच्छा एक वो आप मिनट एक उनके मिनट, पैसों पे मतलब आप पल रहे इसका ना। अगर, एक मिनट यार, आपको, आप समझो मेरी बात क्या, अगर आप भी, आप ये सब स्क्रिप्टेड रहता तो हम आपको लेते ही नहीं ना कॉल में भाई। नहीं क्या लिया यार, ना, दो 2 घंटे तक नहीं लिया, बैटरी खत्म कर दी मेरी पूरे घंटे मोबाइल अरे हमारा स्क्रिप्ट खत्म हो गया था ना मसूद, इसकी वजह से इनको लेना पड़ा फिर आउट ऑफ स्क्रिप्ट। की। नहीं यार लेकिन ये बोल, जब एक मिनट रुक जब जाओ यार, चलो यार चार्जर आप लगा लो सवाल यार, पूछ लो, सवाल पूछ लो फटाफट, आपसे बात करने मजा जब आएगा लेकिन। यार जब वो आपने कमेंट देखी 15% बैटरी रह गई तब आपने लिया, उनके ताकि घर में, मेरे उनके को घर में जो है ना बिजली बंद होगी ना, वो चार्जर नहीं लगा सकते होंगे। बाय द वे यार कलाम साहब क्या जिन थे यार, उनके डिग्री और अवार्ड देखो यार, ही वाज लाइक अ जायंट यार, ही वाज जायंट। इसीलिए तो मैं बोला भाई मदरसा मत पढ़ो, तुम्हारे मॉडर्न एजुकेशन लो उनके जैसा। वो यार ये तो जायंट है यार, उनकी डिग्रियां देख यार, किधर किधर क्या यार, ये अभी भी हैं कि अभी नहीं अभी नहीं अभी जो सर, बोल रहा था, मेरे को बताओ कि कहाँ पर लिखा है मदरसे में पढ़ना जरूरी है? ओह मैन दिस गाय इज अ जायंट मैन, सीरियसली ही इज अ जायंट अब तो हम भी यार। तो वही बोल रहे, जरूरी नहीं तो क्यों पढ़ते हो, यार क्यों? इस तो किस्म वो के क्यों बोल लोग रहे हैं ना, इंडिया के उनको प्रेसिडेंट हमको है यार, सिखाने की जरूरत ग्रेट। नहीं है, हमको पता है हमको क्या करना है। अरे मैं पूरी ये दुनिया के देखो सामने आपकी पढ़ा बातें इतनी अच्छी लगी मोहम्मद अली भाई, आपकी बातें इतनी अच्छी लगी, सबारिश नारायण जी ने 40 रुपीज खर्चे किए अपने, और क्या कह रहे, देखो सर इनको हर स्ट्रीम में इनवाइट कीजिएगा प्लीज, और बल्कि और एक एक $5 का भी आ गया है आपकी वजह से। ये क्या इंसेप्शन हो रहा है साइल एंड एडम? देखो इनकी इनकी बात ऐसे है, इनको दूसरा कुछ आता नहीं, इनके पास बहुत पैसा है, ये मंदिरों में भी दान पास, हमारे करते हैं, पास पत्थर पत्थर तो पैसा खाता नहीं, लेकिन ये पत्थर को पैसा देते हैं। तुम लोगों को भी देखें क्या फर्क पड़ता यार, है। तो मुसलमान इसमें मुसलमान अल्लाह को देते हैं ना, नहीं, अल्लाह तो मर अल्लाह तो गया, मांगता अल्लाह तो मांगता भी, अल्लाह कुरान तो में भी मांगता कहता भी है है कर्ज दो, नहीं नहीं वो कर्ज कम्युनिटी में दो जाता है कर्ज दो, और वो कर्ज किसकी जेब में कम्युनिटी। जाता है? मोहम्मद साहब की बोझे में, मोहम्मद साहब को भी दो, देखो देखो अल्लाह की सर, मदद देखो करो, इसने गाली मोहम्मद दी, साहब बिना की मतलब मदद भी गाली करो। दी। कहाँ पे गाली दी है? कर्ज दो। अबे यार मेरा सेंटेंस भी गाली लगता तुम लोगों को यार, बोचे में बोला, तुम अभी बोचे में बोला, क्या बोला क्या क्या बोला, अभी रिवाइंड करके देखो, पीछे लेके देखो, तुमने जो बोला चल बता, क्या बोला बोचे वर्ड यूज किया। क्या वो कह रहे थे, यार तुम्हारे कान में क्या क्या घुसा हुआ है? वो कह रहे थे, बोचा कह रहे थे। मुझे तो पता भी नहीं है क्या लफ्ज है भाई। यार हाँ वो कह रहे थे पीछे लेके मेरे देखो। अरे देखो जिन्होंने सुना है उन्होंने सुना है, स्ट्रीम खत्म होने के बाद तुम भी सुन लेना,
और हमारे हमारा जो अच्छा एडम ये नहीं भाई, सिखाता, एडम भाई तुम्हारा सुने, सिखाता एडम इसलिए भाई तुम गाली देते हो। एक मिनट ब्रदर, एक अरे बोचे का मतलब सुने, क्या, वो तो ये बता दो इनकी ना भाई। इतनी खूबसूरत और इतनी मजबूत दलील सुन के ना मेरा दिल कर रहा है कि मैं इनके प्राइवेट चैट के जो कमेंट्स है वो पढ़ के सुना दूं ये क्या कह रहे थे भाई अच्छा साहब। एक इस बात बार बोलू समीर, जी एक बात बोलू, अभी आपने जी प्राइवेट चैट बोला ना तो मेरे को थोड़े दिन में इनके प्राइवेट पार्ट ऐसा सुनने में आया, समझ में आया। यार ऐसी बातें मत किया करो अब यार, ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है, बिला मजे ही लगा सिंह, मुझे। आप इतने एक्सपोज हो रहे हैं फिर भी आपको कोई शर्म विरम है क्या? नहीं साहिल भाई, ये इधर किसको बोल आ, रहे सॉरी हो? नितिन गुप्ता, साहिल भाई को नितिन शरण गुप्ता। से डूब कर अरे यार मर मोहम्मद अली, जाऊं। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आखिरी तुम्हारे सवाल पास पूछ, अरे वाइब्रेटर है आखिरी वसु आखिरी सवाल ले साहब, लो एक भाई, मिनट उनको वसु थोड़ा साहब रुको ना, बताओ। इनसे एक सवाल कर लूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यार मोहम्मद अली साहब, ये जो तुम्हारे पास वाइब्रेटर है ना, जो ब्रांडेड वाला जो तुम बोल रहे थे वाइब्रेटर दे दूंगा ब्रांडेड वाला, यार ये वाइब्रेटर का नाम मुझे भी बताओ यार, मुझे भी एक वाइब्रेटर चाहिए, कौन सा वाला है? यार क्या हो रहा है ये एक काम मोहम्मद करो, अली मैं साहब? पावर बैंक लेके आता हूँ, 2 मिनट रुको जरा। आओगे? यार ले आओ, तुम्हारे तो उससे मजे की बातचीत करेंगे, उससे बड़ा ले आओ। मैंने अभी म्यूट चलिए करके ठीक रखा है, है। हाँ हाँ भाई।